लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ नरिश विद स्टाइल। तो मैं आपके लिए आज बहुत ही डिफरेंट डिशेस लेके आई हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सी दिखने वाली ये डिशेस। तो ये बनाने के लिए तो आपको मेरी पूरी वीडियोस को ध्यान से देखना पड़ेगा, और आप भी इन डिशेस को खा के अपना वेट लॉस ज़रूर कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस व्लॉग को। तो बाकी दिनों की तरह आज भी हम अपनी सहरी की जो शुरुआत है वो करेंगे इस ड्रिंक के साथ, जो मैं डेली पी रही हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। और मैं साथ साथ प्रिपेयर करूँगी ऑमलेट, और ऑमलेट जो है वो आज हम रोटी के साथ खाएंगे। ये रोटी आप फ्रेश भी बना सकते हैं, मेरे पास लास्ट नाइट की पड़ी हुई थी तो मैं उसी में बना रही हूँ इसे। मैंने एक चम्मच घी लिया था, उसे पूरे पैन पर अच्छे से स्प्रेड कर लिया था, उसके बाद मैंने रोटी डाली थी। और रोटी डालने के बाद आज मैंने सिर्फ 2 eggs लिए हैं, 2 whole eggs आपको लेने हैं। और उसके बाद उसे नमक मिर्च वगैरह डाल के आपने बीट करना है, ब्लैक पेपर जो भी आप डालना चाहें वो डाल के आपने बीट करना है अच्छे से, और ऊपर से ये सारी वेजीज डाल देनी है। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डालूंगी चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, चीज़ से बस एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और उसी के साथ साथ बहुत अच्छी लुक भी आ जाती है, तो ये थोड़ा पिज्ज़ा जैसा लगने लगता है। सो आप चाहें तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है लेकिन, और थोड़ी ही डालनी है क्योंकि डाइट पर आप बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं खा सकते, क्योंकि ये कार्ब और फैट दोनों मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे इस तरह लेड लगा के, और अब इसे कुक होने देंगे। ये हमने लिया है 1 apple, पर हम 1 whole apple नहीं खाएंगे, ओनली 1/2 apple लेंगे। बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो इसे आप 1 भी ले सकते हैं, 1 complete apple आप खा सकते हैं। और ये देखिए ये कुक हो रहा है, और ये जो मैंने बनाया है ये भी 2 लोगों की सर्विंग है, आपको इसका 1/2 portion ही खाना है। अच्छा, मैं ये आपको बताना भूल गई 3 दिन से कि मैं चाय प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाती है। आप उसमें चीनी भी डालते हैं, पत्ती भी डालते हैं, दूध भी डालते हैं, बहुत अनहेल्दी ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं लेना है। लेना है तो या तो ग्रीन टी लीजिए, और आपका बिल्कुल दिल नहीं मानता कि आपको दूध पत्ती वाली चाय ही पीनी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन शुगर नहीं डालेंगे उसके अंदर। ये बहुत ही लो फ्लेम पर कुक हो रहा है इसलिए थोड़ी स्लो कुकिंग होगी इसकी, नहीं तो नीचे से जल जाएगा और ऊपर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो जैसे ये तैयार हो जाता है तब मैं आपसे मिलती हूँ। अब चेक कर लेते हैं ये कुक हुआ है या नहीं। सो ऑलमोस्ट डन है, और हम इसके ऊपर डाल लेंगे मिक्स्ड हर्ब्स। अब इसको बहुत केयरफुली आपने निकालना है, ये बिल्कुल चिपकना नहीं चाहिए, और अगर ये चिपक गया तो ये टूट जाएगा, इसलिए आपने इसको नॉनस्टिक पर ही तैयार करना है। ये देखिए मेरा रोटी वाला जो ये पिज़्ज़ा है, एक तरह का पिज़्ज़ा ही हो गया, बस मैंने सॉस नहीं लगाई है इसके अंदर, ये बिल्कुल तैयार है, और इसे हम प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो आइए अब इफ्तारी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं चना, आप चना, लोबिया, काला चना जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, मैंने काबुली चना लिया है, आप कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल डाल सकते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट, चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, सम ब्लैक सॉल्ट एंड मिक्स इट वेल। तो आज हम बनाएंगे इफ्तारी के लिए एक स्मूदी, जिसके लिए मैं लूँगी 1 ripe banana, और ये बनाना जो है मैंने 2 इसलिए लिया क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो ये बनाना डाल लेंगे, और 1 orange जिसे हमने डीसीड करना है। ये देखिए मैंने इसके अंदर से सीड्स निकाल लिए हैं, तो इसे डाल लेते हैं इसके अंदर। और इसी के साथ साथ हम डालेंगे इसके अंदर आइस। अब इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे ग्राइंड और एक स्मूदी तैयार कर लेंगे। इसके अंदर हमें कुछ भी स्वीटनर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो बनाना लिया था वो काफ़ी स्वीट है, तो इसलिए हमें और कुछ डालने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। अब इस स्मूदी को और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं इसके अंदर डालूंगी ये सीड्स एंड नट म्यूसली, ये नरिश ऑर्गेनिक की है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, इसलिए हम ये लेंगे। आप देख सकते हैं दिस इज़ हाई इन omega-3, हाई प्रोटीन, फाइबर रिच, नो प्रिजर्वेटिव, नो प्रोसेस्ड शुगर, सो दैट्स वाई ये मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि ये हनी से बनाई जाती है और इसमें बहुत ही कम शुगर डाली जाती है, प्रोसेस शुगर नहीं होती है, नॉर्मल जो आपकी ये नेचुरल शुगर है उससे ही इसे बनाया जाता है। और ये भी हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे फ्लेवर के लिए, आप इस पर ग्रनोला भी डाल सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे अपने हिसाब से आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और आप चाहें ये भी नहीं डालना आपको तो आप इसकी जगह फ्लैक्स सीड्स या फिर चिया सीड्स या कोई भी नट्स इसके अंदर डाल सकते हैं,
तो ये हमारी जो स्मूदी है ये तो तैयार हो गई है बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हेल्दी तो लग ही रही है, बट इसी के साथ साथ टेस्टी भी होती है। अब हम कंप्लीट कर लेते हैं अपनी इस चना चाट को, और ये मैंने पहले से तैयार करके रख ली थी। और बस एंड टाइम पे आपको क्या करना है, आइसबर्ग लेटस लेना है, ये वाला मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया नहीं था, ये लेंगे और इस तरह से इसकी टोकरी जैसी बना लेंगे। आपको पूरा पूरा पत्ता लेना है और पर पर्सन ये 3 to 4 आप खा सकते हैं। और इसके अंदर हम ये चने की चाट को फिल कर देंगे सेंटर में। आप इसे काले चने से भी बना सकते हैं, मैंने इसको बनाया है काबुली चने से। दैट इज़ योर विश आपको इसे किस तरह तैयार करना है, और आप चाहें तो इसके अंदर ये फ्रूट्स डाल सकते हैं, नहीं तो दैट्स ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन अगर आप नहीं भी डालेंगे। तो इस तरह से हम सारे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारी लेटस की और चिकपी की सैलेड बिल्कुल रेडी है, और इसे आप चाट बोलिए सैलेड बोलिए वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन खाने में बहुत अच्छी होती है। ऊपर से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, सब पे थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। और गार्निशिंग के लिए हम डालेंगे इसके अंदर ये चेरी टमेटोज, रेड वाले हों या फिर येलो वाले हों, जो भी आपके पास अवेलेबल हों आप वो डाल दीजिए, और इसे अच्छे से एकदम गार्निश कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी, आप ट्राई करके देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब हम तैयार कर लेते हैं अपना डिनर, और मैं यहाँ बना रही हूँ किनुआ लेमन राइस। और ये डालेंगे हम पैन के अंदर कोकोनट ऑयल, आप इसकी जगह देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ये प्याज, हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता, और इसके अंदर डाल देंगे ज़ीरा, क्यूमिन सीड्स, ये जाएंगे राई के दाने इसके अंदर थोड़े से। किनवा को मैंने हल्दी डाल के पहले ही अच्छे से बॉईल करके रखा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो किनवा को कैसे कुक करना है इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। और अगर आप बिना टर्मरिक डाले इस किनवा को रेडी करते हैं तो आपने इसके अंदर ये जो आप मिक्सचर बना रहे हैं अपना यहाँ पर, इसके अंदर आपने हल्दी को डाल देना है, और उसके बाद जो आपका वाइट कलर का किनवा होगा उस पर हल्दी का कलर आ जाएगा। पर मैंने पहले से डाल रखा है इसलिए मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर मैं डाल लेती हूँ थोड़े से पीनट्स और थोड़े से काजू, बस इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट फ्राई हो गई हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुक्ड किनुआ, सॉल्ट, चिली पाउडर एज पर टेस्ट। वैसे मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली डाली थी, तो आप जो है अपने हिसाब से स्पाइस लेवल को एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब हम इसे कर लेते हैं मिक्स। जब ये किनवा लेमन राइस तैयार हो जाए तो इसके अंदर डाल देंगे लेमन। आपको ज़्यादा खट्टा पसंद हो तो आप फुल लेमन डालिएगा, नहीं तो हाफ डालिएगा। तो ये है हमारी डिनर प्लेट, जिसमें आप देख सकते हैं कि हाफ पोर्शन मैंने लिया है ककड़ी का, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और ये कैलोरीज में बहुत कम होती है। और ये मैंने बनाया है किनवा का जो लेमन राइस है वो, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना है, सच में पता ही नहीं चल रहा कि हम राइस का खा रहे हैं या किनवा का खा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, आप भी इसे बना के देख सकते हैं। और आपके पास अगर किनवा अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ओट्स से भी बना सकते हैं, और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए कि ओट्स से कैसे बनाते हैं तो वो भी मैं अपने चैनल पे डाल दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो आज का व्लॉग हम एंड करते हैं अपनी इस नाइट ड्रिंक के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और उम्मीद करती हूँ आप भी मेरे साथ इसी तरह से वेट लॉस करेंगे, और बहुत ही हैप्पी फील होता है अगर हम अपना वेट लॉस कर लेते हैं तो। बट इस हैप्पीनेस के लिए थोड़ा हार्डवर्क तो ज़रूरी है, और इस हार्डवर्क के लिए आपको मेरी इन वीडियोज़ को डेली देखना होगा और ख़ुद भी इन्हें फॉलो करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।